बॉलीवुड अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की शिकायत के आधार पर दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाने माने कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया के बेटे बोनीटो छाबड़िया को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कपिल शर्मा ने 3 साल पहले बोनीटो छाबड़िया के खिलाफ मुंबई पुलिस में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि बोनीटो को अपराध शाखा के अधिकारियों ने मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शर्मा ने पिछले साल मुंबई पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि दिलीप छाबड़िया एवं उनके अन्य लोगों ने उनसे 5.3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। वहीं शिकायत में शर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने लिए एक वैनिटी बस को डिजाइन करने के लिए मार्च और मई 2017 के बीच छाबड़िया को 5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन 2019 तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, जिसके बाद शर्मा ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण से संपर्क किया। हालांकि छाबड़िया ने वैनिटी बस के पार्किंग चार्ज के रूप में पिछले साल शर्मा को 1.20 करोड़ रुपए का बिल भेजा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। वहीं उन्होंने बताया कि मामले में पूछताछ के दौरान बोनीटो छाबड़िया की भूमिका सामने आई है और इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में अपराध शाखा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब दिलीप छाबड़िया को किसी केस में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और पिछले साल मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कई करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले के संबंध में दिलीप छाबड़िया को गिरफ्तार किया था। बता दें कि दिलीप छाबड़िया कार डिजाइनिंग इंडस्ट्रीज का एक जाना माना नाम है और उन्होंने शाहरुख खान जैसे सितारों की वैनिटी वैन भी डिजाइन की है और वह गाड़ियों को एक नया रूप देने में माहिर हैं। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।